ललिता ने पूछा है कि गुरुदेव, भगवान बुद्ध ने अपने संघ में स्त्रियों को शामिल क्यों नहीं किया? इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नहीं शामिल किया। और फिर कोई भी बुद्ध होता है तो तमाम तरह की अपनी सामाजिक परिस्थितियों से ही चलता है। उस समय की जो परिस्थितियां होती हैं उनके अनुकूल उसको काम करना पड़ता है। सच्चाई तो इतिहास की देखे किसी को पता नहीं होती। इतिहास हमेशा डिसेप्टिव होता है और कुछ कवि लोग कहानियां वगैरह लिखकर उसको और डिसेप्टिव बना देते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा खंड काव्य लिख डाला और उसमें सारी कहानी बुन डाली अपनी कल्पना से कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, छोड़कर भाग गए, रात में सोते हुए उलाहना है, कुंठा है। ऐसा तो कुछ नहीं था। इसीलिए मैंने तिकन्याथन की पुस्तक का जिक्र किया था, ओल्ड पाथ वाइट क्लाउड्स। उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से लिखी हैं चीज़ें। और जहाँ तक मैं बुद्ध को जानता हूँ, बुद्ध से ये उम्मीद भी नहीं है कि वो छोड़कर भाग जाएं। क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, और यशोधरा से उनका प्रेम अनन्य है। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि यशोधरा बुद्ध से अधिक प्रतिभाशाली स्त्री थी। जब बुद्ध कमज़ोर भी पड़ते थे तो वो उनको संभाल लेती थी। घटना यह है कि ये यशोधरा ही थी जिसने कहा कि तुम जाओ, तुमको जाना चाहिए। जो ये उठा है तुम्हारे भीतर भाव कि कोई मार्ग हो दुख मुक्ति का, उसको तलाशो। उसने सारा आयोजन किया बुद्ध के जाने का, बुद्ध गए। तो स्त्रियों का सम्मान तो इतना उनके हृदय में बड़ा था। फिर स्त्रियों की परिस्थितियां बहुत अलग अलग किस्म की थीं। उन्होंने जो मार्ग चुना था उस समय वो कठिन था, कठिनाई वाला मार्ग था। तो कठिनाई वाले मार्ग की वजह से उन्होंने एक प्रयोग कर रहे थे तो वो इनकार कर रहे थे कि भाई अभी मत आओ, हम शामिल अभी नहीं करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखो, अगर उतना कठिन जीवन हम डालने की कोशिश करें तो तमाम स्त्रियों के लिए अनुकूल नहीं होगा। अब बुद्ध ने तो वो प्रयोग चुना, घर घर जाकर भिक्षा मांगना, एक कठिन जीवन जीना, नंगे पांव चलना, तमाम तरह की कठिनाइयों में रहना। तो स्त्रियों के प्रति उनका जो प्रेम और उनकी करुणा थी उसके लिए वो रुके। और वो जानते थे कि संघ में शामिल होकर भिक्खुणी बनकर ही कोई ज्ञान तो मिलना नहीं है, वो जागृति तो वो जहाँ है वहीं से उनको मिल जाएगी। लेकिन फिर कहते हैं कि उनकी माँ ने जिद करी, यशोधरा ने भी कहा, तो उन सब के कहने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जब इतना ही संघर्ष है तो शामिल होइए। लेकिन वो एक कठिन यात्रा थी। तो मैं समझता हूँ उस कठिनाई से बचाने के लिए स्त्रियों के प्रति बहुत गहरे सम्मान की वजह से उन्होंने उस समय अवॉइड किया। और वो जानते थे कि ये स्त्रियों के लिए सहज है, बोध की उपलब्धि के लिए उनको इतनी सर्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि सिर मुंडाएं और इतनी तपस्या करें। स्त्रियां तो थोड़ा समझें, उनको प्रकृति ने, निसर्ग ने इतनी क्षमता दी है कि वो थोड़ा भी समझदारी का उपयोग करें, थोड़ा अपने पूर्वाग्रहों को हटाएं तो बहुत सरलता से उनको बोध घट सकता है। मेरा अपना अनुभव कहता है तमाम जगह पर तमाम स्त्रियां बोध को उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि एक आध, लेकिन बोध को उपलब्ध होने के बाद स्त्रियां गुरु ही बन जाएं, प्रवचन ही देने लग जाएं, तब तुमको पता चलेगा तो मुश्किल है। क्योंकि बोध के बाद तो लोगों को ऐसे ही पता चलता, कैसे पता चले कि बोध को उपलब्ध है? प्रवचन दें, बड़ी बड़ी बातें करें, ध्यान कराने लग जाएं, शिविर लेने लग जाएं, 2-4-10 किताबें लिख डालें, कुछ करें ऐसा जिससे पता चले कि वो ज्ञानी हो गई हैं। इसकी ज़रूरत तो नहीं। स्त्री बेशर्त प्रेम के जीवन में उतर जाए, करुणा के आभा मंडल से भर जाए, अपने आसपास के वातावरण को छुए और रूपांतरित कर दे, इससे बड़ा उसका योगदान तो हो नहीं सकता। इसीलिए भारत ने
स्त्री को माँ का दर्जा देकर बात को ख़त्म कर दिया, और कोई उसको उपाधि ही नहीं दी, सबसे बड़ी उपाधि दी, बात ख़त्म हो गई। बुद्ध इन सब बातों को जानते थे, इसीलिए वो रुके रहे। मैं समझता हूँ वो उनके प्रयोग की अगली कड़ी होती, लेकिन अब क्या होता है कि शिष्यों का प्रेम, शिष्यों का दबाव, वो कई बार कुछ का कुछ रास्ते को बदलता चला जाता है। मैं खुद उसका कई बार भुक्तभोगी होता हूँ, लेकिन होता क्या है कि पिछली गलतियों से आगे आने वाले लोग सीख ले लेते हैं, तो मैं भी तमाम सीखें ले चुका हूँ, अपनी भी पीछे की गलतियों से, दूसरों की भी पीछे की गलतियों से, तो मैं बहुत सारी चीज़ों में नहीं पड़ता आसानी से। मैं बुद्ध को जितना जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर उनकी माँ ने और जो उनके आसपास की प्रिय स्त्रियाँ थीं उन्होंने उस समय वो दबाव उनके ऊपर ना डाला होता संघ में शामिल करने का, तो अगला पड़ाव वो करते, ये संघ और ये जो व्यवस्था भिक्षुओं की चली थी इसको वो विसर्जित करते, ये उनका उनके काम का अगला चरण होता, और तब लोगों को सामान्य जीवन जीते हुए, अपने घरों में रहते हुए, सामान्य काम करते हुए वो जागृति की देशना देते, और वो स्त्रियों के लिए सहज होता, सुलभ होता, रूपांतरणकारी होता। तो वो उसका इंतज़ार कर रहे थे कि पहले हमारा एक प्रयोग पूरा हो जाए, ये जो लोग अभी भोग विलास में, अपने भ्रमों में, अपनी वासनाओं में भटक गए हैं, पहले ये एक अलाइनमेंट बन जाए, एक्सपेरिमेंट हो जाए, फिर इसको डिजॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर अगले एक्सपेरिमेंट में आएंगे। तो अगले एक्सपेरिमेंट में आने से पहले ही एक बीच में ये चीज़ आ गई, फिर कई शिष्यों की महत्वाकांक्षाएं और वो सब टकरा गई, तो वो इतिहास का हिस्सा अलग है। मैं समझता हूँ कि बुद्ध के हृदय में स्त्रियों का अतिशय सम्मान था, क्योंकि बुद्ध के आसपास ही वो स्त्रियाँ थीं जिनकी वजह से वो बुद्ध हो पाए थे, अन्यथा वो संभव नहीं था। ऐसी माँ उनको ना मिली होती, ऐसी पत्नी उनको ना मिली होती, तो वो 600 साल भी भटकते रहते, शायद काम नहीं बनता। ये तो सौभाग्यशाली थे कि उनके आसपास की स्त्रियाँ इतनी प्रतिभाशाली, इतनी सहयोगी उनको मिल गईं, पूरा वातावरण उनको इतना सहयोगी मिल गया कि अस्तित्व की जो योजना थी वो कारगर हो गई।